हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गूगल क्रोम। ये हमारा जो गूगल क्रोम है, इसको सबसे पहले सितंबर में 2008 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब इसको लॉन्च किया गया, तो जब विंडोज़ के लिए लॉन्च किया गया तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो फिर उन लोगों ने सोचा क्यों ना हम इसको मैक के लिए, लिनक्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इन्वेंट करें। तो ये फिर सारे डिवाइसेस के लिए इन्होंने इन्वेंट किया, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड, आईफोन डिवाइसेस के लिए किया। उसके बाद ये जब सक्सेस हो गया तो फिर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये ब्राउज़र बन गया। आज आप देख सकते हो कि सारे डिवाइसेस में ये यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये यूज़र के लिए सबसे सरल है, इजी है, बिल्कुल इजी है। और जैसे ही आप ओपन करोगे, लाइक जैसे अभी देखो मैं कैंसिल करता हूँ, जैसे ही ओपन करोगे तो आपको सर्च बॉक्स मिल जाता है। ठीक है, फालतू की चीज़ें आपको शो नहीं कराता है ये, इसलिए ये सबसे अच्छा है। और आप देखो सबसे फास्ट है, कुछ भी आप जैसे कि लाइक कुछ भी आप सर्च करोगे, हॉटस्टार किया, ठीक है, तो ये आपको मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट ब्राउज़र इसको माना गया, इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो गूगल हमारी कंपनी है, ये अपने यूज़र्स को सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। गूगल उन सब सारी वेबसाइट्स को अनसिक्योर शो कराता है जो HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ नहीं करते हैं। अपने यूज़र्स को पॉपअप भी शो कराता है कि ये वेबसाइट जो है सिक्योर नहीं है। और फ्रेंड्स, ये जो गूगल क्रोम है हमारा, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो थीम होता है वो वाइट कलर में आता है। जब हम कभी भी इंस्टॉल कराते हैं तो इसका जो थीम आएगा वो वाइट कलर में आएगा, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हमें किस कलर का थीम चाहिए। हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा यहाँ पे, उसके बाद हमें जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद अपीयरेंस में आना होगा, फिर यहाँ पर आपको थीम्स का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये खुल के आएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग थीम्स चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा थीम्स चाहिए। लाइक अभी देखो मैं ये करता हूँ, ठीक है, मैं ये थीम्स चूज़ कर लेता हूँ। वेट करिए, अभी ये चेंज हो जाएगा। ये देखो आप, थीम्स इसका चेंज हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको थीम पसंद है वो चेंज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, गूगल क्रोम क्या करता है, हमें लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन देता है, जैसे कि जो भी हमें लैंग्वेज पसंद है, लाइक इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, फ्रेंच, रशिया, और भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जाना होगा, सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स में आप आओगे तो आपको सबसे लास्ट में आएगा एडवांस का ऑप्शन, ठीक है। और कि मैं आपको शो कराता हूँ, यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप जाओगे, ये लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, ठीक, यहाँ पे जाओगे आप, वेट, यहाँ पे गए, यहाँ पे ऐड लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए, लाइक मेरे को रशिया चाहिए तो मैं रशियन कर दूँगा, ठीक है, मैं रशियन लैंग्वेज, फ्रेंच चाहिए तो फ्रेंच कर दूँगा, ठीक है, स्पेनिश चाहिए तो स्पेनिश भी कर दूँगा, ठीक। तो जो लैंग्वेज चाहिए आप ऐड करो, क्लिक करोगे, ऐड करोगे, ऐड हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करके आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, समटाइम ऐसा होता है कि हम पेज को रीड करते रहते हैं और हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होता है और हमें जानना होता है एट अ टाइम, तो हम उसको समटाइम क्या करते हैं कि जैसे मुझे कि ऑफिस रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब जानना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, देन मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, फिर ओपन हो गया। तो हमें नॉर्मली क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, ठीक, उसके बाद क्लिक करना होगा सर्च गूगल फॉर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये हमें सर्च करके न्यू टैब में शो कर देगा। फिर हमने जैसे कर लिया, देख लिया, पढ़ लिया, उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया, क्लोज हो गया। अगेन मैं रीड कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई इशू है सेम पैटर्न अप्लाई करूँगा, मैं जान सकता हूँ। आप भी सेम पैटर्न अप्लाई करके जान सकते हो, इससे मैं बहुत सारा टाइम अपना सेव करता हूँ, आप भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर 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 लाइक करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि मेरे हर एक नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करता रहूँगा वो आप पे इजीली आसानी से पहुँच सके। थैंक यू।